अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नया साल आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। नए साल की है मेरी पहली रेसिपी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झींगा पुलाव। और झींगा मैंने ले लिया है, ये 1.25 किलो के करीब है। देखें, 1.25 किलो के करीब मैंने झींगे ले लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें एक नींबू निचोड़ कर वो मैंने रख दिया था ताकि इसकी हीक ख़त्म हो जाए। तो ये ले लिया है मैंने, झींगा ले लिया है 1.25 किलो के करीब। और इसी के साथ मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला है 1.5 चम्मच के करीब। और साबुत गोल मिर्चें ले ली हैं, ये मैंने 10 से 12 से ज़्यादा ही ली हैं, 15-20 के करीब। और पिसी हुई काली मिर्चें हैं, ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी हुई मिर्चें और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि गरम मसाले में ऑलरेडी ज़ीरा हैगा, तो इसीलिए मैंने ये कम लिया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और प्याज ले लिया है मैंने, दो दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और अब इसको प्याज को हम डालते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा, तो देखिए प्याज यहाँ हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्चें पीस के रख ली थी और ये 4 चम्मच के करीब जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और यहाँ साइड में आपको नज़र आ रहा होगा सोया, तो ये सोया मैंने ले लिया है, 1 गट्ठी लिया है पूरा। और ये मैं 1 गट्ठी इसमें डालूँगी, ये पूरी बारीक काट लूँगी इसे मैं भी। और ये देखिए अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है मैंने और ज़रा सा इसका कच्चापन निकल जाए तो फिर अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे जी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारे मसाले और इसको अच्छा सा भून लेते हैं और मसालों का भी कच्चापन निकाल देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए भूनते हैं इसको। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ देखिए ये मैंने लिया है 15 से 20 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, उसको ग्राइंड कर लिया है मैंने। और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ और अब ये जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता, खुश्क नहीं हो जाता इसका पानी मिर्चों का, जब तक हम इसको पकाते हैं। और बहुत मज़े का चटपटा सा पुलाव बनने वाला है ये हमारा। अच्छा, सोया इसमें बहुत ज़रूरी है और सोया यकीन जानिए इस रेसिपी की जान है और इसके बगैर जो है ना झींगा पुलाव बिल्कुल अधूरा सा है। तो आप प्लीज़ सोया ज़रूर इसमें डालिएगा। और इसमें मैं मेथी भी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए सोया मैंने इस तरह काट लिया है और बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू है, फ्रेश फ्रेश सा है ये। अच्छा, ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है, हरी मिर्चें भी बिल्कुल भुन चुकी हैं हमारी। और अब इसमें मैं प्रॉन्स ऐड कर रही हूँ। प्रॉन्स को जैसे ही आप पकने के लिए डालते हैं तो देखिए अभी कितने सुकड़ जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल रिंग सा बन जाता है, कितने अच्छे लगते हैं ना वो। अच्छा, ये देखिए ये हो गए हैं, ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब देखें ये सुकड़ना शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल रिंग्स रिंग्स से हो रहे हैं। तो आँच को जो है मैं वो तेज़ कर दूँगी, आँच हमारी स्लो ही हुई है। और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया, सोया डाल के इसको हम गलने तक पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए सोया इसमें मिला दिया है मैंने और आँच भी तेज़ कर दी है और बस मैं ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए पकाऊंगी जी। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे देख रही हूँ तो ये हमारे झींगे आधे गल चुके हैं। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 5 चम्मच के करीब इसमें मैंने नमक डाला है। और क्योंकि चावल हैंगे
हमारे 1.25 किलो के करीब चावल हैं, उसी हिसाब से। और अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। और अब पानी में उबाल आ जाए जब तक इसको ढक्कन ढक के रख देते हैं और फिर इसमें हम चावल डालेंगे। अच्छा, तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। और चावल मैंने ले लिए थे बासमती, और ये लिए हैं मैंने 1.25 किलो। और मैं इसमें डाल दूंगी ये देखिए चावल इसमें डाल दिए हैं मैंने। पानी इसमें मैंने कम ही रखा है, अगर मुझे नीड होगी तो मैं ज़्यादा थोड़ा और बढ़ा लूँगी इसमें। ये ऊपर से छींटा देते हैं जिस तरह, उस तरह कर दूँगी मैं। और चावल हमारे इसमें चले गए और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और अब हम चावल पकने तक इंतज़ार करते हैं हमें से। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि मेथी भी डालूंगी मैं इसमें, तो मेथी मैंने ले ली है ये। और इसकी डंडियाँ हटा दी हैं, पत्ते तोड़ लिए हैं मैंने इसके, और इसको पानी में भिगो दिया है, तो ये अब तय में जाएगा। और तय के लिए मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 नींबू काट लिए हैं और 3 से 4 अदर टमाटर गोल गोल काट लिए हैं इस तरह। और मेथी भी हम ये चारों चीज़ें जो हैं दम पे लगाएंगे। अच्छा, ये देखिए चावल देखें बिल्कुल हमारे हो गए हैं, एक कनी रह गई है, तो अब इसमें मैं दम पे रखूंगी और अब मैं इस पर तेल लगा रही हूँ इसकी मसाले की। और याद रखिएगा इसमें सोया ज़रूर डालिएगा, क्योंकि असल जो है ना खुशबू उसी की होगी। और मेथी भी ऐसे दम पे डाल देंगे, बहुत मज़े की खुशबू आती है सोया और मेथी की। अच्छा, ये देखिए सब तय मैंने लगा दी है और चूल्हे की आंच बिल्कुल दम वाली कर दी है। और अब हम इसे बिल्कुल दम पर पकाएंगे, चावल की एक जो कनी रह गई है वो हमारी पूरी हो जाए जब तक। अच्छा, ये देखते हैं अब हम, देखिए दम हो गया है इसका और इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है सोए की और मेथी की, बहुत मज़ेदार सी। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार सा बना है, खुशबूदार। और सर्दियों का मौसम है उसमें तो मस्त बनता ही है और मज़ा भी देता है ये। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और टेस्टफुल है ये बहुत। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।